अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। तो हम हैं इस वक्त मौजूद मौला जट देखने के लिए और मेरे साथ है सैयद मोहम्मद ईसा। मौला जट रिलीज़ हुई भी है, आपको तो पता है, और इसकी पूरी दुनिया के अंदर इस कदम धूम मच चुकी है अब तक। तो हमने सोचा कि अब जाते हैं यहाँ पे, मूवी भी देखते हैं और मूवी देखने के साथ साथ देखते हैं कि आवाम का इसके बारे में रिएक्शन क्या होता है। तो हम आए हैं इस वक्त मौला जट देखने के लिए, फिल्म शुरू होने वाली है, पास मेरे पास मौजूद हैं और इसके फौरन बाद हमने इसके क्विकली रिएक्शन भी लेने हैं। चलिए, जट हमने तो यहाँ पे देख ली है, कैसी लगी आपको? बहुत कमाल की थी यार, और बहुत ज़बरदस्त एक्शन मूवी थी और हमजा अली बासी ने तो कमाल कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और लोग आ रहे हैं, उनका भी रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको मौला जट कैसी लगी, कैसा था आपका रिस्पॉन्स? अच्छी है मूवी, अच्छी है। हमजा अली बासी लाइक ही रियली लुक गुड। हमजा अली बासी की एक्टिंग को सबसे बेहतर समझते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों दूसरे फवाद खान भी और वो दोनों अच्छे लग रहे थे। अभी मौला जट मैं इनसे पूछूंगा कि इनको कैसी लगी, कैसी लगी आपको मूवी? आई थिंक द स्टोरी कुड हैव बीन टाइटर, बट ओवरऑल लुक ऑफ द मूवी, द फील ऑफ द मूवी वाज गुड। एवरीबडी एक्टेड वेरी वेल एंड एवरीथिंग, बट स्टोरी कुछ टाइट कर सकते थे, स्टोरी मजीद कुछ बेहतर हो सकती थी। 10 आउट ऑफ कितने देंगे आप इनको रिव्यूज? 8-9 आप? मैं भी 8-9 दूंगा, बहुत अच्छी मूवी थी और यही कहूँगा कि इतने अर्से बाद एक अच्छी इंटरटेनमेंट मिली, एक उर्दू लैंग्वेज में अच्छी मूवी मिली। वेरी गुड। लास्टली आप ये बताएं, किसी को टाइम निकाल के स्पेशली मूवी देखने आना चाहिए या नहीं? नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी मूवी आई है। देखने वाली है कि सिनेमा च देखने वाली है? नहीं, घर च भी देख सकते हैं, परिवारिक मूवी है। सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगी थी? यू नो हमजा अली अब्बासी वाज एक्सेप्शनली गुड, बट फवाज वाज नॉट बैड ईदर। या आई थॉट ही कुडंट पुल बिकॉज ही इज ऑलवेज हैड अ वेरी क्लासी इमेज, बट ही रियली पुल्ड दिस रोल वेल। जी कैसी लगी आपको मौला जट मूवी? बहुत अच्छी है, इट्स अ गुड मूवी। अच्छा, इसमें से सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगी? फवाद खान एंड और लास्ट क्वेश्चन, आप रिकमेंड करेंगे कि किसी को आके मतलब टाइम निकाल के देखनी चाहिए? जरूर देखनी चाहिए, जरूर देखनी। वैसे भी पाकिस्तानी मूवी है, व्हाई नॉट, जबरदस्त मूवी है। थैंक यू। तो आप ये बताइए, मूवी आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी लगी एंड एक्टिंग वगैरह बहुत अच्छी की हुई थी। किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी आपको? मौला जट की थी और नूरी फवाद हसन और एंड हमजा अली बासी। यस, देखनी चाहिए कि बाहर देखनी चाहिए? आई थिंक बाहर ही, थिएटर में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। स्कोर 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10 आउट ऑफ 9.5 या 9। और ये बताइए, ये मूवी घर में देखनी चाहिए या बाहर देखनी चाहिए? घर में भी देखने लायक है। अच्छा, या घर पे देख सकते हैं, बिकॉज इट्स रियली गुड वन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक्शन कैसा लगा मूवी का? हॉलीवुड लाइक हॉलीवुड स्टाइल, बिकॉज जो उन्होंने उसमें दिखाया हुआ है सारा कुछ, ब्लड एंड एवरीथिंग, दैट्स ओनली इन द हॉलीवुड, लाइक हॉलीवुड मूवीज ओनली। थैंक यू वेरी मच। इंडिया में कौन से एरिया से? फ्रॉम गुरदासपुर जलंधर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जी सर, तुसी ये दोस्तों, मौला जट कैसी लगी तुहानू? मौला जट जी बहुत अच्छी है, साढ़े पाकिस्तान की मूवी है, सानू बड़ा फखर है, बड़े अच्छे एक्टर ने, बड़ी एक्टिंग की। अच्छी लगी तुहानू एक्टिंग? मैनू ना तो उन्होंने नहीं आंदे। तो हां, हीरो के विलन? हीरो भी अच्छा है, विलन भी अच्छा है, हीरो और उस ते बाकी गल के मूवी बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है, देखने वाली है, फैमिली वाली है, यानी कि एंजॉय करोगे, जेड़ा बंदा देखेगा बड़ा एंजॉय करेगा। एक्शन कैसा लगा मूवी का? एक्शन मेरा ले ला लो। ठीक है जी, एसएसआर ऑटो सर, बस ओके जी भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो ये था द लेजेंड मौला जट के बारे में रिव्यूज़। फिल्म फैंटास्टिक थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, ईसा ने भी आपको भी बताया है। और ये थे तासुरात खवात यहाँ पे मौजूद, हमारे इंडिया से भी रिव्यूज़ दिए कुछ अहबाब ने और पाकिस्तान से भी दिए हैं।
और सभी को ये मूवी बहुत पसंद आई है। आज के इस व्लॉग को यहीं पे इख्तिताम करेंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।